16 जुलाई को जन्मे लोग अंतर्मुखी स्वभाव लिए होते हैं। इन लोगों को समझना आसान नहीं है। ये लोगों से ज्यादा मेलजोल रखना पसंद नहीं करते हैं। सामाजिक कार्यों से ये दूर ही रहते हैं, लेकिन समाज में इनकी छवि काफी सम्माननीय होती है। एक्चुअली इन लोगों की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। ये लोग अकेले शांत वातावरण में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। निरंतर सोचते रहने की प्रवृत्ति इन्हें लक्ष्यहीन भी बना सकती है। मन इनका हमेशा अशांत बेचैन रहता है, जिसका प्रभाव इनके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। इन लोगों के मूड्स भी बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, जिस कारण कोई इन्हें समझ नहीं पाता है। यहाँ तक कि इनके माता पिता भी अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। परिवार के सदस्यों से सपोर्ट ना मिलने के कारण ये प्रेम की तलाश में बाहर ऐसा साथी ढूंढने की चाह में रहते हैं जो इन्हें समझे। इन्हें प्रेम से ही समझा जा सकता है, प्रेम से ही इन्हें वश में किया जा सकता है। प्रेम इनके जीवन का मूल आधार है। शारीरिक सुख से ज्यादा ये मानसिक सुख के लिए अपने साथी को पाना चाहते हैं, लेकिन आज के बदलते परिवेश में इन्हें ऐसा साथी कहां मिल पाता है, जिस कारण ये प्रेम शब्द से हताश निराश ही नजर आते हैं और अपने आप को अकेलेपन की दुनिया में ले जाते हैं, जहां पर ये अपने ही ख्वाब बुनते हैं। इनकी कल्पना शक्ति उस दुनिया को इनके लिए जीवंत बना देती है, जिसे ये अपने आसपास महसूस करने लगते हैं। ये अपने आप में ही मगन, अपने आप में ही खुश रहने लगते हैं। अपने विचारों में ये अक्सर खोए हुए आपको मिलेंगे। भूल जाते हैं कि इनके आसपास क्या हो रहा है। ये दूसरे लोगों की अपेक्षा मैच्योर कम होते हैं। इनका सामान्य ज्ञान कमजोर ही होता है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि इन्हें बातें थोड़ा देर से समझ में आती हैं। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से भयभीत हो जाते हैं। इन्हें अपने आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। खराब वातावरण होगा तो ये बीमार जल्दी पड़ सकते हैं। इनके आसपास हसमुख लोग हों, ताजे रंग हों, प्रकृति हो, आसपास हरियाली हो, ये सब इनके लिए वरदान साबित होगी। इन्हें महान नायकों की जीवनी पढ़नी चाहिए। इन्हें वीरता के किस्से सुनने चाहिए। इन्हें आदर्शवाद पर मानवतावादी अच्छी फिल्में देखनी चाहिए जो इन्हें मोटिवेट कर सकें। इन लोगों को दुखद अंत वाली क्रूर टॉपिक पर फिल्में नहीं देखनी चाहिए जो इनके मन पर बुरा असर डाले। इन्हें मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़नी चाहिए कि किस तरह से कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल कर सकते हैं। इन्हें संगीत भी कुछ इस प्रकार से सुनना चाहिए जो इनमें जोश भर दे। और सबसे बड़ी बात, इन्हें हनुमान जी की, बजरंग बली की आराधना हर समय करती रहनी चाहिए। ये दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, इसीलिए लोगों के साथ इनके विचारों में विरोधाभास ही रहता है। किसी ना किसी गूढ़ विद्या के अवश्य जानकार होते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत होती है इन लोगों में परालौकिक रहस्यों को जानने की। लोगों के बीच अक्सर चर्चा का विषय इनका यही रहता है। 42 से 48 की उम्र में इनकी लाइफ में एक मिरेकल चेंज आता है, जिसमें या तो ये आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, चरम सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर ये पतन के रास्ते की ओर स्वयं को धकेल लेते हैं। इनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं अचानक से ही आते हैं। 16 जुलाई को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7। 7 का अंक यानी केतु की एनर्जी। आप लोग केतु से प्रभावित होते हैं। 7 में 1 का अंक और 6 का अंक की एनर्जी आप में विद्यमान है। 1 का अंक सूर्य का और 6 का अंक शुक्र का। सूर्य और शुक्र के मिलने से यहाँ पर केतु की उत्पत्ति हुई है। यहाँ शुक्र स्वयं तो नेगेटिव है ही, सूर्य की एनर्जी को भी खराब कर रहा है, जिस कारण आप लोगों में एक अच्छी लीडिंग पावर होती है। हर काम में फ्रंट पेज पर रहने के आप इच्छुक होते हैं। आपकी मैनेजमेंट पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन शुक्र की नेगेटिविटी यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। काम में लापरवाही बरतना, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके ना रखना, लोगों को कमांड करने लगना, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पर एलिगेशन लगा देना, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर हावी हो जाना, ये सब बातें आपको नाकामयाबी की ओर ले जाती है। आप लोगों में इगोस्टिक नेचर तो होती ही है, दूसरों से कंपटीशन करना, आपके अंदर कंपटीशन की भावना भी होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी लाइफ को एक दिशा भी प्रदान करती है, क्योंकि आप लोग किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहते, किसी भी क्षेत्र में पिछड़ना नहीं चाहते, हर काम में लीड करना चाहते हैं।
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में अपनी ओर से बेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने हर कार्य के लिए लोगों से एप्रिसिएशन चाहते हैं, लोगों से तारीफ पाना चाहते हैं। अपनी तारीफ सुनने की आपकी ये कमजोरी आपके इर्द गिर्द चापलूसों की और स्वार्थी मित्रों की फौज खड़ी कर देती है, जो आपके पतन का कारण कहीं ना कहीं बनती है। आप लोग बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं, किसी भी आर्ट के क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकते हैं, लोगों के पथ प्रदर्शक अच्छे बन सकते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और आपको फॉलो करते भी हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आप मुद्दे की बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आप लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप अड़ियल बहुत होते हैं, ईगो आप में बहुत ज़्यादा होती है, सुनते आप किसी की नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। आप दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण आप अपने जीवन के असली उद्देश्य तक को भूल जाते हैं, अपने जीवन को रंगीनियों में, शराब और शबाब में खोने के लिए डाल देते हैं, जबकि आपका जन्म ईश्वर ने किसी और उद्देश्य के लिए किया है, ये आपको यहाँ समझना चाहिए। 16 का ये अंक एक कार्मिक ऋण अंक है। आपको यहाँ अपने शुक्र को अच्छा रखना होगा, शुक्र अच्छा रखेंगे तो केतु भी अच्छा रहेगा और सूर्य भी। आपको यहाँ ऑपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव रखने से बचना होगा। आपको अपनी इगोस्टिक नेचर पर ध्यान देना होगा, दूसरों को कंट्रोल करने की सिचुएशन से बचना होगा। आपको ये 16 का अंक दिया ही इसलिए गया है कि इस 16 के अंक की एनर्जी को आप सही दिशा में लगा सके। आपको अपने विपरीत लिंगी का सम्मान करना होगा, अपनी फॉल्स ईगो पर काम करना होगा, आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ना होगा। जैसे जैसे आप ईश्वर से कनेक्ट होते चले जाएंगे, आपके अंदर की विलक्षण शक्ति का आपको स्वयं ही आभास होता चला जाएगा, और जैसे ही आप अपने में बदलाव लाना शुरू करते हैं, अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में डिजास्टर चेंजेस आने शुरू होते हैं। आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक माने जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे 16 के अंक वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाया, खूब शौहरत हासिल की। 16 जुलाई को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है कर्क, जिसके स्वामी हैं चंद्रदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य कर्क राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य मिथुन राशि का है तो आपको मेरी 16 जून वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य सिंह राशि का है तो आपको 16 अगस्त को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये सूर्य राशि से हम भली भांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी को ध्यान में रखकर करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाती है, जबकि भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए हम सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 से 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 16 जुलाई को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर चंद्रमा और केतु का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को दर्शाता है, और वहीं केतु गहराई का सूचक है, गहन अध्ययन देता है, खोजी प्रवृत्ति देता है। ऐसा व्यक्ति हर बात को गहराई से खोजता है, जिस कारण बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, फिर वो दूसरों की छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, बुरा मान जाता है, भले ही शिकायत करे ना करे अपने आप में ही फिर वो घुलता रहता है।
अगर इस बात को पॉजिटिव वे में लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति जिस भी काम को करेगा पूरी तल्लीनता के साथ मन लगाकर करेगा और अवश्य ही उसमें सफल भी होगा। केतु यहां व्यक्ति के मन को भ्रमित करने का भी काम करता है, जिस कारण ये लोग सही रूप से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपने ही डिसीजन पर डाउट करने लग जाते हैं। लेकिन केतु का काम यह भी है कि वो व्यक्ति को भ्रम में डालता जरूर है, अंत में भ्रम को दूर भी यही करता है और फिर आत्मज्ञान से परिचय कराता है। केतु यहां पर कर्मों को काटने का काम करता है, व्यक्ति की बुराइयों को काटकर उसे आध्यात्म और चिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। कुंडली में अगर चंद्रमा और केतु शुभ स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से लाइफ के सेकेंड चैप्टर में आध्यात्मिक हो जाएगा, योगी, संत और एक महान व्यक्तित्व का स्वामी बनेगा, दूसरों के लिए मददगार साबित होगा। अचानक से धन लाभ इनको प्राप्त होते रहेंगे। कन्या संतान की प्राप्ति हो सकती है। लाइफ में एक बार जब अपने पथ को जान लेने के बाद ये फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। सफलता, मान सम्मान इनके कदम चूमती है, पीछे पीछे धन भी खींचा चला आता है। जुलाई का ये महीना आध्यात्म का माना जाता है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति जो जुलाई के मंथ में जन्मे हैं, इन्हें जन्म से ही आध्यात्मिक शक्ति का वरदान प्राप्त होता है, महान आत्माओं और संतों को जन्म देता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तो होता ही है, ईश्वरीय संदेशों को जानने वाला होता है। इनका जीवन एक ब्रह्मचारी, एक त्यागी, वैरागी के रूप में निकलता है। काफी संतोषी स्वभाव के होते हैं, थोड़े में संतोष कर लेते हैं। अगर भौतिक दुनिया के रूप में देखा जाए तो इन्हें भौतिक जीवन रास नहीं आता है, काफी कष्टप्रद निकलता है। और अगर चंद्रमा या केतु खराब स्थिति में, अशुभ स्थिति में हुए, तो ऐसा व्यक्ति नेगेटिव वे वाला होगा, निराशावादी होगा, हमेशा अज्ञात भय के साए में रहेगा, बेचैन रहेगा। परिवार में एक के बाद एक समस्या इनके बनी रहेंगी, परिवार मित्रजनों का साथ नहीं मिलेगा। जिनकी भी ये लोग मदद करेंगे वही लोग इन्हें एन मौके पर धोखा दे जाते हैं। धन की इनको कमी बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति फिर डिप्लोमेटिक ज्यादा हो जाता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से वो अस्वस्थ रहेगा। संतान देरी से हो सकती है, ऑपरेटेड हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण रहेगा, साझेदारी का काम इन्हें बिल्कुल सूट नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, विदेश यात्रा करने का इच्छुक रहेगा, संपत्ति की हानि करेगा। ऐसे लोगों को संपत्ति अपने नाम पर नहीं लेनी चाहिए, दूसरों को दोष देने की इन लोगों की आदत होगी। वाणी दोष के कारण संबंध समाप्त हो सकते हैं। लाइफ में संघर्ष इनके बहुत ज्यादा होगा, पेट में और पैरों में दर्द रहेगा। अपने सभी कार्य ये दूसरों से छुपाकर चोरों की तरह काम करेगा, गुप्त कार्य करेगा, वहमी बहुत होगा, शंकालु होगा। माता को कष्ट हो सकता है, उनसे रिलेशन खराब हो सकते हैं, घर में कलह का वातावरण रहेगा, संतान से बिछोह हो सकता है या संतान को समस्या हो सकती है, संतान से कष्ट उठाना पड़ सकता है। अचानक से धन लाभ होने के बाद उससे भी ज्यादा धन की हानि हो सकती है। लॉटरी, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता होगा। जातक काम वासना में ज्यादा आसक्त रहता होगा। भावुकता में बहकर ऐसा व्यक्ति गलत कार्य भी खूब करता है, बदनामी का कारण भी बन सकता है। सारा दिन प्लानिंग करता रहेगा, बड़ी बड़ी बातें सोचेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। ईश्वर से हमेशा शिकायत करता नजर आएगा। अपने आप में बड़बड़ाना, उदास रहना, अपनी भावनाएं जाहिर ना कर पाना, गुमसुम रहना, चिड़चिड़ाहट इनका स्वभाव बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में बहुत जल्दी घबरा जाता है। ये लूं कि वो लूं, ऐसा करूं या ना करूं, कुछ भी खरीदते समय, कुछ भी काम करते समय हमेशा संशय की स्थिति में रहेगा। कुंडली में आपके चंद्रमा और केतु की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका चंद्रमा कैसा है, आपका केतु कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब चंद्रमा और केतु के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके, आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जान सकें। चंद्रमा अगर आपका खराब स्थिति में है तो शिवजी की उपासना करें, सोमवार का व्रत रखें, सफेद वस्त्र धारण करें, शरीर पर चांदी धारण करें। अगर केतु के खराब फल मिल रहे हैं तो आपको अपनी मुसीबतों का शोर घर घर में, गली कूचे में, सबके सामने नहीं मचाना चाहिए, केतु आपको और ज्यादा परेशान करेगा। केतु खराब हो तो गणेश जी की उपासना करें, बीमार कुत्ते की सेवा करें, दूसरों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं क्योंकि केतु ध्वजा है, कंबल सफेद या काली धारी वाला दान करें,
केतु पांव को भी कमजोर करता है, पांव के पंजों में समस्या देता है, तो पैर के अंगूठे में रेशमी धागा बांधे। और हाँ, परिस्थितियां जब कुछ ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आपके मित्र अंक बनते हैं 3, 6 और 8। 3 का अंक गुरु का, 6 का अंक शुक्रदेव और 8 का अंक शनि का। आपके समान अंक बनते हैं 4, 5 और 9। 4 का अंक राहु, 5 का अंक बुध और 9 का अंक मंगल का। आपके शत्रु अंक हैं 1 और 2, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, जिसे ये ग्रहण लगाते हैं। आप लोगों के लिए शुभ तिथि और शुभ अंक होते हैं 7, 16 और 25। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार और शनिवार, यानी कि थर्सडे और सैटरडे। आपके लिए शुभ रंग होते हैं ग्रे कलर, मटमैला कपूरी रंग, सफ़ेद रंग, पीला रंग, सफ़ेद काला चितकबरा रंग। आपको गहरे रंगों से बचना चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जून से 27 जुलाई के मध्य का समय। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके साथ ही 21 जनवरी से 27 मार्च, 21 अप्रैल से 27 मई, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर और 21 नवंबर से 27 जनवरी के मध्य जन्म लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में 7, 16 या फिर 25 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।